माँ आप गुस्सा मत कीजिए, वो डरी हुई है इसलिए ऐसी बातें कर रही है। रानी परी बालसखी की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। रानी परी, इस यंत्र ने काफी गहराई से अंतरिक्ष यान की जांच कर ली है। अब हमें जल्द ही पता चल जाएगा कि हमारा शत्रु कौन से ग्रह से है और कौन सी प्रजाति का है। बालवीर, जब तक हमें हमारे शत्रु के बारे में पता नहीं चल जाता, आप बाल सखी और बाल मित्र को लेकर पृथ्वी लोक चले जाइए। हो सकता है कि वो अंतरिक्ष यान वहाँ भी हमला करे, और फिर यहाँ तो हम हैं सुरक्षा करने के लिए, इसलिए आप जल्द से जल्द पृथ्वी लोक जाइए। जी रानी परी। किधर है बॉस? किधर ढूंढेगा? ओ बॉस, अल्लाह क्या दिलचस्प फोटो फ्रेम है! किधर से उठा के लाया ला? अपन को भी मांगता है ना? बोल आएगा। उसे हाथ मत लगाना। तुम्हें ऐसी फोटो फ्रेम चाहिए ना? हाँ। ये कहाँ मिलती है मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ बाबूजी। मैं इसको बता देता हूँ, एड्रेस दे देता हूँ। आ जाइए, जाइए, आ जा। सच कहे, तेरा फोटो फ्रेम उठा रहा था। मैं ही उठा लेता हूँ। ये 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 अरे उठ, अरे उठ, ये उठ, अरे ये ये नीचे करना भाई, ये नीचे। हाँ, लेके जाता हूँ। क्या ये बहुत भारी है ये खूंखार? या चलो जी। बाजी पलट गई, अब वायरस की डांट खानी पड़ेगी। हेलो, हेलो, मैरट बोल रही हूँ, क्या मुझे सुन सकती है वायरस? हेलो वायरस, हेलो वायरस, वायरस, को जा रहा है? और ये क्या है? खूंखार, खूंखार खटमल हो गए थे घर में, सबका खून चूसते हैं। मैंने सोचा जरा ऐसे डंडे से झाड़ देता हूँ और बाहर ले जाके जरा धूप दिखा देता हूँ रजाई को। खबरदार, कोई बाहर नहीं जाएगा, जब तक अपन का बॉस नहीं मिलेगा तब तक कोई नहीं जाएगा। इसको इधर ही स्टॉप कर। गद्दे को बोला ना एक बार, ये देखो मारा, ये मारा, ये सिंगल पसली। बोलो बाबूजी, ये मुझे सिंगल पसली बोल रहा है, ये मुझे। ये तुझे ही बोल रहे लाऊं, चल जोर से मार। समझ में नहीं आता क्या? पुलिस की तरह मारने का, समझा क्या? मार जोर से, चल। मारना और मार, मर जाएगा वो। कौन? अरे अहिंसो परमो धर्म, हमारे यहाँ अहिंसा है, खटमल को भी मारना नहीं है, हम लोग बाहर जाके छोड़ते हैं, इसलिए लेके जाओ। मारना चलना, शान पट्टी क्या कर रहा है? आची! 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 आची!
अरे ये धूल इतनी सारी निकली, डंडे से मारा झाड़, धूल इतनी निकलेगी। तीन हो गया, मुझे ना धूल का एलर्जी है। हो गया हो गया, थक गया ना? थक गया। हाँ, लेकिन आपको नहीं थका क्या? अपन को बॉस ने इधर कहीं से एड्रेस दिया है, और जब तक बॉस नहीं मिलेगा ना, अपन इधर ही वेट करेगा। बोले तो 6 महीने तक वेट करना पड़ेगा ना, तो भी करेगा। हाँ, हेलो हेलो हेलो, क्या मुझे सुन सकती है? बेवकूफ एरर, कब से बाल सखी बन के घूम रही हो? अब तक मेरी बहन को आजाद नहीं किया, आखिर कर क्या रही हो तुम वहाँ? मुझे क्षमा कीजिए वायरस, जहाँ पे आपकी बहन को कैद किया गया है उस कैप्सूल तक तो मैं पहुँच गई थी, मगर पता नहीं कैसे अहम मौके पे अलार्म बज गया। वो सब मैं नहीं जानती, मुझे किसी भी तरह मेरी बहन चाहिए। जी वायरस, लेकिन उस सुरक्षा कवच को तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो ठीक है, मुझे तुम्हारी भी कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी बहन को आजाद खुद करवाऊंगी, और आजाद होते ही वो परी तारा को नष्ट कर देगी, और फिर परियों के साथ साथ तुम्हारा भी अंत हो जाएगा। नहीं नहीं वायरस, प्लीज प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, और अब की बार कोई गलती नहीं होगी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। प्लीज प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। ठीक है, एक आखिरी मौका दे रही हूँ तुम्हें। हमारा प्लान ए तो फेल हो गया, लेकिन प्लान बी सुनो। हम सबसे पहले परीलोक को तहस नहस कर दें, परीलोक के खत्म होते ही परितारा भी नष्ट हो जाएगा, और उसके साथ साथ उस कैप्सूल का कवच भी टूट जाएगा, और उसके साथ साथ मेरी बहन भी आजाद हो जाएगी। लेकिन परीलोक को खत्म करने के लिए मुझे बाल मित्र की जरूरत पड़ी। तुम किसी भी हाल में बाल मित्र को यहां ले आओ। तीनों को एक साथ रहना होगा, क्योंकि अगर अंतरिक्ष यान ने हमला किया तो हम उसका डटकर सामना कर सके। अगर बालवीर साथ रहेगा तो मैं बालमित्र को किडनैप नहीं कर पाऊंगी। बालवीर, मेरे हिसाब से हम तीनों को एक साथ नहीं रहना चाहिए। हाँ, मैं सही कह रही हूँ, अगर स्पेसशिप ने कहीं और वार कर दिया और हम तीनों वहां नहीं पहुंच पाए तो बहुत बड़ी तबाही मच जाएगी। बालवीर, बाल सखी सही कह रही है, हमें अलग अलग हो जाना चाहिए। लगता है बालवीर को मुझ पर शक हो गया है, अब वो मैं जो भी बोलूंगी उससे उसका उल्टा ही करेगा वो। बालवीर, मैं साउथ एरिया में जाती हूँ, और तुम दोनों नॉर्थ ईस्ट एरिया में जाओ। नहीं, मैं दक्षिण में जाऊंगा और तुम दोनों उत्तर और पूरब में जाओगे। ठीक है बालवीर। थक गया हूं मैं। क्या करूं मैं तेरा? क्या करूं आपका? कब आएगा इंस्पेक्टर? कब? ये गद्दे में से है, लकड़ी जैसी आवाज कैसे आ रही है? वापस देखता हूं। बोल दरवाजा। क्या
वो क्या गया? अब मैं क्या करूं, कहां छुपाऊं इसे? पक्का भाई वो अंदर भूत जाप कर रहा होगा, उसको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? ए अंकल, दिमाग का दही मत कर, समझे क्या? भूत भूत का नाटक बंद कर, समझा? ले दरवाजा खोल, ले तो तोड़ दूंगा। हम लोग यहाँ नहीं है, कोई यहाँ छुपा नहीं है। पक्का भाई देखो, बाल सखी बालवीर ने कहा है कि हमें नॉर्थ ईस्ट एरिया कवर करना है, तो फिर तुम यहाँ क्यों खड़े हो? चलो। हाँ हाँ जरूर चलेंगे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट एरिया में नहीं बाल मित्र। स्पेसशिप में जहां तुम हमारे मेहमान बनके रहोगे। रानी परी, अब जो तस्वीर बन रही है उससे पता चल जाएगा कि हमारा शत्रु कौन है। बाल सखी? रानी परी, लेकिन बाल सखी हमारी शत्रु कैसे हो सकती है? बाल सखी का रूप धारण किया था। एरर? रानी परी, ये एरर कौन है? हमारी बहुत पुरानी शत्रु, एक ऐसी बुरी शक्ति जो सदियों पहले परी तारा को हासिल करना चाहती थी और अब भी वो यही करना चाहती है। नटखट परी, आप जल्द से जल्द बालवीर को सूचित कीजिए। जी रानी परी। मुझे नहीं पहचाना, बाल सखी हूं मैं। बताओ कौन हो तुम और मेरी बहन बाल सखी कहाँ है? बताओ। यही तो हूँ तुम्हारे सामने। बाल मित्र, तुम्हारी बहन के पास पहुंचाने आई हूं। सामने आओ। देखो मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के पास ले जाने आई हूं। सामने आओ बाल मित्र। लकी कीजिए, हर बार की तरह इस बार भी ये मुसीबत आसान कर दे। से आ गया, इसका मतलब इसको मेरे बारे में सारी सच्चाई पता चल गई है। लेकिन इसके सामने मैं बाल मित्र का किडनैप कैसे करूंगी?
आना जल्दी जल्दी आना जल्द। ये डबल बैटरी ये कौन है? क्या बोला? डबल बैटरी ये कौन है? मैं महेश हूँ। अरे तेरे को मैं जानता है, मैं इसके बारे में पूछ रहा है। ये हाँ, ये बापूजी की मासी, मेरी साली, साली के बापूजी मासी का मैं। अरे महेश कंफ्यूज क्यों कर रहा है? ये मेरी साली है और महेश की मौसी है। अभी देखो ध्यान में बैठी है, माला कर रही है, तुम जाओगे यहाँ से? ऐसे कैसे जाएगा? आपको पहले मौसी से बात करेगा, समझा क्या? मौसी जी भाई देख नहीं रहे, मासी जी अभी ध्यान में है। जब मासी जी ध्यान में होती है ना तो किसी से बात नहीं करती है ना बाबूजी? नहीं नहीं तो हटेले मुंडी तो हिला सकती है ना। बालमित्र तुम ठीक तो हो ना? नहीं बालवीर, मैं बहुत बड़ी मुसीबत से बच कर आया हूँ। वो बाल सखी नहीं है, वो कोई और ही थी, और तुम्हें पता है उसी ने बाल सखी को किडनैप किया है। मैं जानता हूँ बालमित्र, नटखट परी ने मुझे सब बता दिया। वो एरर है जिससे बाल सखी का रूप लिया था और उसी ने बाल सखी का अपहरण भी किया है। लेकिन वो है कहाँ पर? वो उस तरफ गई है। देखो बालमित्र, तुम चिंता मत करो, तुम यहां से जाओ, मैं उससे निपटता हूं। ठीक है बालवीर। अच्छा हुआ एरर, तुमने इस बार कोई गलती नहीं की, वरना वो तुम्हारी आखिरी गलती होती। मेरा प्लान भी तो आधा सफल हो गया, और आधा तब सफल होगा जब मेरी बहन आजाद होगी और परी तारा को नष्ट करके सारी परियों का अंत करेगी। लेकिन वायरस, आखिर आपका ये प्लान भी है क्या? सब समझ आ जाएगा, अब आगे आगे देखती जाओ कि मैं क्या करती हूं। ये क्या है? कुछ खास नहीं वायरस, इस बाल मित्र का स्माइली की चेन है। इस बेवकूफ को लगता है कि ये की चेन इसे हर मुसीबत से बचाएगा।